टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी मिलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद बंदरगाहों पर अटकी पड़ी कच्ची चीनी के स्टॉक को निर्यात करने की अनुमति देने पर सरकार विचार कर रही है। भारत से अतिरिक्त शिपमेंट से कच्चे चीनी के वायदा पर असर पड़ सकता है, जो चार महीने में अपने सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। पिछले महीने भारत ने घरेलू कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए इस सीजन के निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित कर दिया था। वहीं रॉयट्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, हम चीनी निर्यात पर गौर कर रहे हैं और कच्ची चीनी के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। वहीं कई मिले निर्यात पर सीमा के बाद चीनी के बढ़ते भंडार से जूझ रहे हैं। देश भर के बंदरगाहों पर लगभग 2 लाख टन चीनी फंसी हुई है। इस साल भारत के रिकॉर्ड 10 मिलियन टन चीनी निर्यात में है। कच्ची चीनी का हिस्सा लगभग 45 लाख टन है, जबकि चीनी की बाकी सफ़ेद या प्रतिकृष्ट किस्म थी। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि कच्ची चीनी घरेलू बाजार में नहीं बेची जा सकती, इसलिए इसका निर्यात करना समझदारी है, अन्यथा हमारे स्टॉक की गुणवत्ता समय के साथ खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।